महाभारत में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बहुत सी बातें बताई थी। उन्हीं बातों में कुछ चीजें ऐसी बताई थी जो हमें घर में हमेशा रखनी चाहिए। यहाँ जाने ये चीजें कौन कौन सी हैं? एक, चंदन। चंदन बहुत ही पवित्र माना गया है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाया जाता है। इसकी तिलक से मन को शांति मिलती है। चंदन घर में हमेशा रखना चाहिए क्योंकि हर रोज पूजा करते समय देवी देवताओं को चंदन अर्पित करना चाहिए। दो, वीणा। बुद्धि और शिक्षा की देवी सरस्वती का प्रिय वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा घर में रखेंगे तो सरस्वती की कृपा से सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होगा। मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। तीन, घी। घर में घी हमेशा रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में रोज शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा में भी घी का महत्व है। इसी वजह से घी को अनिवार्य रूप से घर में रखने की सलाह दी जाती है। घी का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। चार, शहद। वास्तु की मान्यता है कि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत हो जाते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। ये सभी देवी देवताओं का अर्पित किया जाता है। जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में शहद हमेशा ही होना चाहिए। पाँच, पानी। घर में हमेशा ही साफ जल भरा रहना चाहिए। जब भी कोई मेहमान घर आए तो सबसे पहले उसे पीने के लिए शीतल जल अवश्य देना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष दूर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।